तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना एके टेक्निकल पॉइंट। और आज मैं आया हूँ डिजिट स्क्वाड के ऑफिस में, और यहाँ पर मुझे रिव्यू करने का मौका मिला है इस मॉन्स्टर को। और इस मॉन्स्टर के अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये क्या क्या काम करता है, आप इससे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, आपको सारी जानकारी देने वाला। तो आज इसको पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए। दोस्तों दिखने में तो आपको ये कंप्यूटर लग रहा होगा, बट ये कंप्यूटर नहीं है, यह एक मॉन्स्टर है। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यह है मशीन AMD Ryzen 3rd Ryper 2970WX पर चलती है। प्रोसेसर में 24 कोर्स और 48 थ्रेड्स हैं, यानी कि 24 कोर्स और 48 थ्रेड्स हैं। तो इसके अंदर AMD Radeon 7 GPU के साथ दिया गया है, यानी कि इसके अंदर आपको AMD Radeon 7 GPU देखने के लिए मिल जाता है। सिस्टम में आपको 32 GB RAM देखने के लिए मिलेगी और 1 TB WD NVMe ड्राइव दी है। एक शानदार सेटअप है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम गेमिंग से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप स्ट्रीमर हो तो दोस्तों तैयार हो जाओ, इसके जो कोर्स हैं यानी कि इसके जो कोर्स हैं स्ट्रीम को सीधा CPU इनकोड कर सकते हैं बिना गेमिंग परफॉर्मेंस में दिक्कत आए। तो जैसे कि पहले अगर आप लो क्वालिटी में स्ट्रीमिंग करते थे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता था कि हमारे सिस्टम पर कुछ ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ रहा है। दोस्तों यह एक ऐसी मशीन है जिससे आप हाई क्वालिटी, जी हाँ हाई क्वालिटी पर स्ट्रीम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के, कि 2 dozen कोर्स आराम से गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों को हैंडल कर सकती है। और मैं ये बोलना चाहूँगा, मतलब जो मेरे जैसा कंटेंट क्रिएटर है यानी कि और कोई यूट्यूबर है तो उसको भी यह मशीन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो लोग 4K और 8K, जी हाँ 8K फुटेज के साथ काम करते हैं, उन लोगों को मैं यह बताना चाहूँगा अडोब प्रीमियम प्रो जैसे एडिटिंग प्रोग्राम भी इसमें स्मूथ चलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों तब भी जब आप कलर प्रोफाइल या ट्रांसलेशन और इफ़ेक्ट्स लगाते हैं अपनी टाइमलाइन पर, और इसके साथ साथ अगर आपको अपने वीडियो के अंदर VFX यूज़ करने हैं तो आप आफ्टर इफेक्ट को भी इस सिस्टम के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। थैंक्स टू ऑल कोर्स ऑन द थ्रेड रैपर जिसकी मदद से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। और दोस्तों अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो यह मशीन डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है एक्सपोर्ट टाइम, यानी कि हमारी वीडियो कितनी देर में रेंडर हो जाएगी। तो इस वाले PC के अंदर आपको उसकी चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक एवरेज PC है तो ये उससे बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है। AMD Ryzen 3rd Ryper ज़रूरत से ज़्यादा कोर्स देता है, और जो दोस्तों इसके अंदर एक्स्ट्रा कोर्स दिए गए हैं वो काम करते हैं गेमिंग वर्कलोड पर और इनकोडिंग को, मतलब एक समय पर दोनों को एक साथ चलाने के लिए बिना किसी दिक्कत के। गेमिंग के लिए तो सिस्टम ये बहुत, मतलब गेमिंग तो इसके लिए बहुत छोटी है। यह अपनी पावर तब दिखाता है, पूरी पावर तब दिखाता है जब इस पर हैवी वीडियो एडिटिंग की जाती है। और दोस्तों लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा, हाँ ये वही कंप्यूटर है जिसको आप अपने सपनों में सोचा करते थे, और अब तुम्हारा भाई इसको रियलिटी में लेकर आ चुका है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये कंप्यूटर आपको पसंद आएगा कितना अच्छा है। और मैंने इसके अंदर कुछ गेमिंग भी मतलब ट्राई की थी, तो मैंने उसके भी फुटेजेस आपको दिखा दूंगा मैं आगे, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर मैंने एपेक्स लेजेंड्स ट्राई किया था, मैंने यहाँ पर पबजी मोबाइल ट्राई किया था, और भी मैंने बहुत ज़्यादा गेम्स यहाँ पर ट्राई किए थे, तो मेरे को तो दोस्तों बहुत अच्छा है PC लगा। आप एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर से बताएगा कि आपको किस टाइप का PC लगाया। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो मिलता हूं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।